हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द पीसी लर्नर्स। वर्डपैड, वर्डपैड आखिर है क्या? वर्डपैड एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिस पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको बना सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसे चेक कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सब होता कैसे है, आइए देखते हैं। पैड है, जब आप वर्डपैड का ये वाला वर्जन, ये 2016 वर्जन है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें जो है बहुत सारी थीम्स जो हैं वो पहले से ही सेव हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, आपको कोई एडजेंसी लेटर लिखना है तो आप ये ले सकते हैं, आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, आपको कोई रिज्यूमे लिखना है या आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, और भी बहुत सारी थीम्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो जब इसे ओपन करेंगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ये जो है ये नेविगेशन पेज है, इसको अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। तो ये है वर्डपैड, जो इसके सबसे ऊपर ये जो है ये इन्हें कहते हैं हम टैब। इन्हें टैब कहते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब और भी जितने भी टैब्स हैं वो सारे। अब जो टैब है उसके अंदर जो है ये सारे जो हैं ये हैं रिबन्स। जैसे ये बोल्ड का है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कलर चेंज करने के लिए है, थीम्स वगैरह हैं, ये सारे हैं रिबन। इसके अंदर भी सारे ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं रिबन्स। अब रिबन भी जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड है, ये एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट है, ये लाइन से लाइन तक ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये ग्रुप्स हैं किसी किसी के यहाँ पे, जैसे होम टैब में फॉन्ट टैब फॉन्ट ग्रुप में ये एक एक्सपेंशन बार है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी आपको ये सारे सेटअप्स या जितने भी रिबन दिख रहे हैं वो तो हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो इस ग्रुप में स्पेस की वजह से शो नहीं हो पा रहे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो अलग मिल जाएंगे। और ये जो है ये है रूलर, इसको अगर आप चाहें तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं वर्डपैड की और आपको ढूंढना है तो आपको इन सब में जाने की जगह आप डायरेक्ट यहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू पे जाके क्लिक कर सकते हैं और जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं। इस पे सबसे ऊपर ही रूलर आ रहा है, अगर आप लिखेंगे तो भी आपको दिखा देगा शो रूलर। तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएंगे और उसके बाद अगर आपको ऑन करना है रूलर तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। और ये जो वाइट स्पेस है ये पूरा, ये है आपका टेक्स्ट एरिया। तो सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। अगर आपको भी कभी कुछ भी मतलब अगर टाइप करना है तो उसकी एक शॉर्टकट की है, इक्वल्स टू आ ए एन डी ब्रैकेट। ब्रैकेट में अगर आप कोई नंबर डालते हैं तो वो पैराग्राफ होंगे। जैसे अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो ये, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर दबाएंगे तो आपको पैराग्राफ जो है उतने मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो इनकी एडिट है वो कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड पे जाके सिंपली डबल क्लिक कर सकते हैं, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। एक वर्ड पे जाके आपको डबल क्लिक करना है तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको जहाँ से सेलेक्ट करना है उस पे आप अपना कर्सर रखिए, शिफ्ट दबा के एरो कीज दबाइए तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है तो लाइन के आगे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप पैराग्राफ पर जाएं और उसको ट्रिपल क्लिक करें। ट्रिपल क्लिक करने से जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो जिस सेंटेंस को आपको फॉर्मेट करना है, जिस सेंटेंस को आपको फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो भी वो ऑप्शन जो है आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से करना चाहें तो आप होम टैब पे जाके फॉन्ट ग्रुप के अंदर से भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्टाइल चेंज करना है कि सेंटेंस का फॉर्मेट, तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर आप ये जो बड़ा ए है और एरो जो है वो ऊपर है उस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, और इस पे जिसका एरो नीचे है उस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस रिबन की, चेंज केस रिबन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन जो है वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या करता है, जो आपने एक लाइन या एक पैसेज सेलेक्ट करा है वो सेंटेंस के फॉर्म में आ जाता है। बस ये सेंटेंस में ही है, वो क्या करता है कि जो पहला वर्ड है लाइन का उसको बड़ा कर देता है लोअर केस। लोअर केस क्या करेगा, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखे हैं लोअर केस जो उन सबको छोटा कर देगा। अब हम सेंटेंस केस ट्राई कर लेते हैं। अगर आप सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला वर्ड है ये टू, टू का जो पहला वर्ड है ये जो है ये बड़ा हो गया है। उसके बाद है अपर केस। अपर केस क्या करेगा, अपर केस जितने भी जो भी सिलेक्टेड वर्ड्स हैं उन सब का जो केस है वो कैपिटल कर देगा। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब आप देख रहे होंगे कि जो एक वर्ड है वर्ड का जो पहला पहला लेटर है, पहला अल्फाबेट है, वो सारे जो है कैपिटल होंगे। और लास्ट में है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, जो पहला लेटर है उसको जो छोटा कर देता है और बाकी सबको बड़ा कर देता है। यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये बोल्ड करने के लिए है, इटैलिक करने के लिए है, अंडरलाइन भी आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, और यह है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू अगर आपको सेंटेंस के बीच में लाइन डालनी है, और ये X2 जो है यह सबस्क्रिप्ट और यह है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जैसे कि आप देखते होंगे H2O देखते हैं, तो H में जो 2 नीचे होता है वो, और अगर आप किसी की पावर लगाना चाहते हैं से 2 की पावर या किसी भी नंबर पे पावर लगाना चाहते हैं तो वो इससे होता है। उसके बाद जो ये रिबन है ये है टेक्स्ट इफेक्ट। इससे आप चाहें तो प्री डिफाइंड इफेक्ट्स हैं इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें, शेडो लगाना चाहें, रिफ्लेक्शन लगाना चाहें, और भी बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो ये है बैकग्राउंड कलर, आप इस पर जाके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं तो वर्ड के जो पीछे का जो कलर है वो चेंज इससे हो जाएगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसे। और ये है फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। जैसे आपको अगर फॉन्ट का कलर चेंज करना है, ब्लैक है, येलो कर दिया, रेड, ब्राउन, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और ये जो हमने इसकी बात करी थी, ये अगर आप इसको दिखा इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत और एडवांस ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं डबल, तो आप यहाँ जाके सिंगल स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, और ये जो नीचे है ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, आप कलर चेंज कर देंगे, है ना। सबको आपको स्मॉल करना है, ये सबको बिग बड़ा करना है, या हाइट करना है, या फॉन्ट लेना है कोई, तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने फॉन्ट ग्रुप की, लेकिन इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनकी उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं फाइल टैब के बारे में। फाइल टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपने खोल रखी है इन्फॉर्मेशन, यह है प्रॉपर्टीज़। साइज़ बता रहा है कि अभी सेव नहीं है, पेजेस बता रहा है कि कितनी पेज यूज हैं, वर्ड बता रहा है, टोटल टाइम बता रहा है कि हमने कब एडिट किया, कोई टाइटल लगाया है हमने या कोई टैग लगाया है या कमेंट लगाया है, आप चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं, और डेट बता रहा है। लास्ट मॉडिफाइड तब होगा जब आप इसे सेव कर देते हैं। क्रिएटेड भी बता रहा है कि कब हमने चालू किया, और प्रिंट का टाइम भी बता रहा है कि कब हमने प्रिंट किया। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, या न्यू, अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वही एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन पे क्लिक करते हैं तो जो फाइल आपने सेव कर रखी है उनको ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव पे क्लिक करने से आप फाइल सेव कर सकते हैं। सेव एज का क्या काम है कि अगर आप सेव एज पे दबाते हैं और फाइल पहले से ही सेव है तो वो उसकी एक और कॉपी जनरेट कर देता है। आप प्रिंट करना चाहे प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या क्लोज कर सकते हैं।
यहाँ पे आप अपने अकाउंट का साइन इन कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं। तो वीडियो जो है वो हो गई है थोड़ी बड़ी, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम दूसरे टैब्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़।